भारतीय परंपरा और हिंदू दर्शन में ऐसा ढेर गो चीज बाते जे हमने अगर निमन से पढ़ब स आर ई पर एगो साइंटिफिक रिसर्च करब स त अपन मने ज्ञान के बेथा भंडार खुल जाए। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। जी हाँ, आज हमनी बात करब जा भारतीय संस्कृति के एगो खास उपकरण के बारे में जेकरा यंत्र बोलल जाला। यंत्र का है ओकर कौन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व बाते, हिंदू धर्म में यंत्र के कौन प्रकार के उपयोगिता बाते, जुन यंत्र तांबे से बनल बाते उ कैसे मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण बाते, त आज यही विषय पर हमनी बात करब जा। आज हमनी प्रवेश करब जा यंत्र के भीतर के दुनिया में। यंत्र शब्द के उत्पत्ति संस्कृत शब्द यम से होल बाती, जेकर मतलब है कोनो भी अवधारणा या देवता के सार के समर्थन करेगी। यही तरह से यंत्र एगो दृश्य उपकरण है जे एगो खास एनर्जी पैटर्न के धारण और प्रदर्शित करेला। यंत्र ज्यामितीय डिजाइन हवन जे कागज पर भी सकेला उतारे, धातु या फिर लकड़ी पर सकेला उकेरे। यंत्र तांबे, सोना या चांदी जैसन कई गो धातु से बनावल जाला। बकिर तांबे से बनल यंत्र के ढेरों महत्व बाती, काहे कि तांबे जैसन धातु से जुड़ल गुण और एनर्जी के संचालित करे के शक्ति बाती। यंत्र ज्यामितीय डिजाइन के कंटेक्सचुअलाइज करेला जे चिंतन, एकाग्रता माने कंसेंट्रेशन आर ध्यान खातिर एगो कुशल उपकरण के रूप में काम करेला। यंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा के शक्तिशाली नाली है जे भारतीय रहस्यवाद के अंतर्गत में आवेला। यंत्र कई गो देवता के प्रतिनिधित्व करेला जे सद्भाव, समृद्धि, निमन जीव माने कि स्वास्थ्य, धन, सफलता, योग और ध्यान खातिर एगो चैनल के रूप में काम करेला। श्री यंत्र का है अगर आसान भाषा में देख जा तो श्री के मतलब है ऑस्पिशियस माने की शुभ, और यंत्र के अर्थ है टूल, इंस्ट्रूमेंट या मशीन। एकर मतलब ई है कि ई एगो ऐसन मशीन है जे हमनी खातिर शुभ हवन जा। एकर शुभ चक्र भी बोलल जाला जे जीवन में संतुलन माने की एगो बैलेंस लावे के काम करेला। हजारन बरिस से ई यंत्र के पूजा होवेला। ई मान्यता बाते कि श्री यंत्र के भगवान शिव बनैले रलंजा। ई यंत्र में कई गो ज्योमेट्रिकल आर शेप्स बाते, हर लाइन के एगो मतलब बाते। सबसे पहले हमनी शुरू करब जा स्क्वेयर माने कि चकोर से। हर स्क्वेयर हमनी के भू देवी के दर्शावेला, मदर अर्थ। हमनी के भू देवी के रक्षा करेलन देव जे बहरा रहेला, आर हमनी के देविया भीतरे के रक्षा करेलन जा। हये ओकर मूल आधार है। अब हमनी प्रवेश करब जा भीतरे जमे पहला सर्कल माने की गोलाकार आवेला। कुल तीन गोलाकार बाते जे जीवन के तीन काल के दर्शावेला माने की भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। हमनी के इच्छा के पूरा करे खातिर आर जीवन में संतुलन बनावे में ई तीन काल के निमन से जिए के आर बैलेंस में रहे के चाही। ई है तीन काल। एकर बाद आवेला 16 पंखुरी माने कि पेटल्स, जे हमनी के जिंदगी के ऐसन 16 एलिमेंट जे बैलेंस रखे आर इच्छा पूरा करे के चिन्ह दिखावेला। 16 में से 10 तो हमनी के देह अंग माने बॉडी पार्ट्स हो जाला, जैसे कि हमनी के जीभ, नाक, मुंह, त्वचा, आँख, कान, गोड़, हाथ, बाहें, जननांग। अब बच जाला 6। ऊ में से हमनी के 5 गो तत्व माने कि 5 एलिमेंट जिसे हमनी के देह आर प्लैनेट दोनों बनल बाते। 5 महाभूत माने कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस माने कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि आर नीर।
दिलचस्प बात त ई ह कि अगर ई पांच शब्द के मिलावब जा त उ शब्द बन जाला भगवान। अब बौच गल बाते उ आखरी पंखुरी, कमल के ई पंखुरी के दर्शावेला हमनी के मन, जे हमनी के इच्छा के पूरा करे के बैलेंस लावे के ई सब 15 पंखुरी लेके उ आगे बढ़ेला। अब हमनी प्रवेश करब जा आर भीतरे जमे ई में दू गो त्रिकोण माने की ट्रायंगल, एक ऊपर आर दूसर नीचे आर बीचो बीच इंटरलॉक बाटे। ऊपर दिखावेला हमनी के मास्कुलिन पावर माने के शिव, नीचे दर्शावेला हमनी के जिंदगी के फेमिनिन पावर माने के शक्ति। अब ये दोनों के जोड़े से बनेला कुल 14 गो ट्रायंगल्स। ये 14 त्रिकोण ये दर्शावेला कि कैसे हमनी के अपन इच्छा पूर्ति आर संतुलन रखे में सब माध्यम के अपनावे के चाही। इमे आंदोलन, खोज, आकर्षण, प्रसन्नता, भ्रम, गतिहीनता, मुक्ति, नियंत्रण, आनंद, नशा, इच्छा की सिद्धि, विलासिता, मंत्र औरु देवत्व का विनाश। त ई 14 त्रिकोण ई सब के नाश करेला। अगर आर भीतरे धुकब स त हमनी के मिल जाए 8 गो त्रिकोण। एकर गिव माने दाता बोलल जाला। एकर मतलब ई ह कि हर त्रिकोण हमनी के कुछ न कुछ दे देवेला, जेमे जिंदगी में संतुलन बनल रही। इसे 10 गो चीज मिलेला। ई का ह 10 चीज वा? त ई 10 चीज वा ह पहल का ह सिद्धियों का दाता, दूसरा ह धन, तीसरा ह ऐसन एनर्जी जे सब के खुश कर देवेला, चौथा ह आशीर्वाद के वाहक, पांचवा ह सब कामना के देवे होला, छठा ह कष्ट के सॉल्व करे के, सातवा ह मृत्यु के शांत करे होला, आठवा ह बाधा के विजेता, नौवा ह जे रूह आर सुंदरता के देवे होला, दसवा ह सब सौभाग्य के देवे होला। माने है 10 गो चीज हमनी के जीवन में एगो ब्लेसिंग माने आशीर्वाद नियन रहेला। जब ब्लेसिंग मिल जाला त हमनी के भीतरे के 10 गो सुपर पावर्स जाने के भी मौका मिलेला। है ये छिपल शक्ति हमनी के जीवन में बैलेंस रखे के उदस शक्ति है ओमनी साइंस, ओमनी पोटेंस माने की सर्वशक्तिमान, सॉवरेंटी माने की सन प्रभुता, नॉलेज माने की ज्ञान, पांचवा है वनक्विशमेंट ऑफ ओल्ड विट्स माने सब बीमारी के नाश करे के, और छठा है प्रोटेक्शन बिना शर्त के समर्थन, और सातवा है अटेनमेंट ऑफ डिजायर्स इच्छा की प्राप्ति, और आठवा है सुरक्षा, नौवा है सब बुराई के नाश करे होला, और दसवा है संतुलन। तभी आप फ्लेक्सिबल बनब। 8 को छोटका ट्रायंगल है ये दर्शावेला। फ्लेक्सिबल होवे खातिर 8 गो एलिमेंट है। पहलका है क्रिएशन बनावे के, दूसरा है सस्टेनिंग बनाए रखे के, तीसरा है डिसोल्यूशन विघटन, और चौथा है प्लेजर यानी सुख, और पांचवा है पेन यानी दुखद, छठा है कोल्ड सर्दी, सातवा है हीट गर्मी, आठवा है एबिलिटी टू चूज एक्शन कार्य चुने के शक्ति। एकर बाद आवेला एगो अंतिम ट्रायंगल जेकर मतलब है गिवर ऑफ ऑल परफेक्शन माने सभी प्रकार के पूर्णता के दाता। मतलब हमनी के भीतर छिपल एगो योगी
या योगिनी। आर आखरी में आवेला एगो बिंदु माने चैतन्य, कॉन्शियसनेस सेंटर पॉइंट। हये शुद्ध चेतना हवन। श्री यंत्र के शुरुआत इही बिंदु से हुएला। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर यंत्र के दिख बजा तो साइंटिफिक स्टडी के बाद ये पता लगावल गल बाते कि मनुष्य के कपार माने के ओकर दिमाग और उदय के एगो खास आवृत्ति पर चून करे के उपकरण के रूप में सक बजा देखे। उमे अक्सर ज्यामितीय आकृति माने ज्योमेट्रिक शेप्स लौकेला। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर हरेक के अपन अपन प्रतीकात्मक अर्थ बाती। ये भी बोलल जाला कि ई सब शेप्स एनर्जी के जनरेट करेला। अगर जब मंत्र के संगे ई पर ध्यान लगावल जाला तो उ जीवन के चेतना में बदल जाला। ज्योमेट्रिक डिजाइन होला यंत्र न खाली हिंदू और बौद्ध परंपरा में दिखेला, बकिर ये भी बोलल जाला कि यंत्र के साइकोलॉजिकल और भौतिक दृष्टि से भी ढेरों फायदा मिलेला। यंत्र ज्योमेट्रिक शेप्स के होइला से कंसेंट्रेशन के बढ़ावेला, इसे मन के शांति मिलेला, इसे ध्यान एगो दूसर लेवल में चल जाला। यंत्र के प्रयोग करे से आध्यात्मिक विकास होवेला, ज्ञान के उदय खातिर भी यंत्र जैसन उपकरण के इस्तेमाल होवेला। एकर संगे संगे हमनी के देह के चक्र संतुलन में रहेला कहे कि उस सक्रिय हो जाला। यंत्र के वैज्ञानिक महत्व भी बातें। यंत्र के लगातार इस्तेमाल करे से मन में शांति तो मिलेला, बकिर तनाव से भी मुक्ति मिल जाला। एकर संगे संगे फोकस और क्लैरिटी जैसे स्किल्स माने कौशल के बढ़ावा देवेला, कहे कि रेगुलर प्रैक्टिस से मानसिक स्पष्टता और फोकस में सुधार आवेला। आर ई भी बतावल जाला कि इस भागादौरी और तेज तरार दुनिया में मनुष्य के मन हिया हुआ भटक जाला, तो यंत्र भावनात्मक संतुलन माने इमोशनल बैलेंस मिले में भी मदद देवेला। यंत्र के प्रयोग के करला से एगो आदमी के फील गुड फैक्टर होला भाव मिलेला। यंत्र में उपचारात्मक गुण माने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बाती जे मनुष्य के देह खातिर लाभदायक सिद्ध होल बाती। नेगेटिव वाइब्स या फिर नेगेटिव एनर्जी के दूर करे में सुदर्शन यंत्र के खास भूमिका बाते। वास्तुकला के अनुसार वास्तु यंत्र जैसन वस्तु के इस्तेमाल करे से इम्बैलेंस एनर्जी भी दूर हो जाला। पॉजिटिव एनर्जी माने सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ जाला, इसे काम करे के जस्ती शक्ति मिलेला। श्री यंत्र के पुरन का ज्यामितीय डिजाइन ऑट मानल जाला जे हजारन बरिस से ही ई बहुते कॉम्प्लेक्स माने जटिल बाते, बकिर ई शेप्स बहुते सार्थक माने मीनिंगफुल और शक्तिशाली बाते। श्री यंत्र के क्वीन ऑफ यंत्र भी बोलल जाला, काहे कि इही से आर कई गो यंत्र निकलेला। हिंदू और बौद्ध दर्शन में श्री यंत्र एगो ज्यामितीय चित्र है जे दिव्यता माने डिविनिटी जैसन पहलू के संबोधित करेला। यंत्र शब्द संस्कृत के यम शब्द से ओकर व्युत्पत्ति होल बाती, जेकर मतलब है सस्टेन ओ होल्ड। एकर अर्थ ई है कि यंत्र एगो ऐसन टूल है जे एगो अवधारणा या कॉस्मिक प्रिंसिपल के सस्टेन करेला। ऐसन कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक पैटर्न में सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स और चारगो पैटर्न्स शामिल बाती। ये डिजाइन पुरनका जियोमेट्री के कई गो स्पेसिफिक पैटर्न्स पर आधारित बाती। श्री यंत्र बहुते शुभ मानल जाला, कहे कि ढेर गो यंत्र इही से डिराइव होल हवनसा। श्री यंत्र एगो व्यक्ति के आध्यात्मिक यात्रा माने स्पिरिचुअल जर्नी के दर्शावेला, माने भौतिकता से लेके ज्ञान ज्योति ले। हये यात्रा एगो तीर्थ यात्रा वे नियन बाते, काहे कि श्री यंत्र जाने खातिर स्टेप बाय स्टेप जाए के परी। श्री यंत्र के हर एक पड़ाव मनुष्य के जीवन से जुड़ल गतिविधि से संबंध रखेला। श्री यंत्र साधना करे खातिर भी एगो उपयुक्त टूल माने औजार बाते।
ई भागादौड़ी जिंदगी में श्री यंत्र के डिजाइन कई गो जगह पर सगबजा लौकी लुगा पर देह पर करल गल गुदना मने टैटू या फिर सोशल मीडिया पर श्री यंत्र के एगो सशक्त मेडिटेशन टूल के रूप में दिखल जाला काहे कि आध्यात्मिक गतिविधि में एकर प्रयोग निम्टे से होवेला। यंत्र और सिम कार्ड जो हमने अपन मोबाइल में डाली ला से ना इन दोनों के बीच एक चीज कॉमन माने समान बाती वह कप माने तांबा से बनल बाती। अब हमने ये जननी सा कि जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस माने विद्युत स्पंदन एगो सिम कार्ड में चैनलाइज होवेला तब मिलियन डेटा सगबजा स्टोर करी चाहे उस साउंड के हो या फिर विजुअल। अब हजारन बरिस के अगारीवे से हमने के भारतीय ऋषि मुनि त ई बतवा के जान ले ले रहलन जा कि तांबा से बनल यंत्र से ढेर चीज सगबजा स्टोर करी। यंत्र तांबा से ही बनल बाते ई यंत्र में कई गो सिंबल्स बाते जे ब्रह्मांड के अलग अलग ध्वनि के दर्शावेला। एकर मतलब ई हा कि जब एगो योगी अपन उंगली से यंत्र के स्पर्श करके शांत भाव से मानसिक रूप से जब मंत्र के उच्चारण करेलन तो उही बखत तांबे में एगो बायो करंट जनरेट होवेला। तभी हमनी के एहसास करनी सा कि कॉपर मेटल में मेमोरी और एनर्जी माने ऊर्जा स्टोर करे के क्षमता रखेला। जब मंत्र के उच्चारण करे बखत यंत्र के छुवल जाला तो हये यंत्र एगो मैग्नेट माने चुंबक नियन बन जाला और जब लगातार मंत्र उच्चारण होते जाए तो उ एगो यूनिवर्सल मैग्नेट बन जाला तब ये ओकरा श्री यंत्र बोलल जाला। यंत्र दिव्य निवास नियन बाते जे कोनो चेतना के और आध्यात्मिक जागरूकता के बढ़ावेला। यंत्र जैसन शक्तिशाली उपकरण से मनुष्य के जीवन में सुधार आवेला ता आज यंत्र से जुड़ ढेर चीज जाने के और समझे के मौका मिलल बाते। एक रवे संगे हमने के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होवता बकेर आवत बुद्ध के एगो दूसर ज्ञान वर्धक विषय लेके आवब जा तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।